व्याकरण उप विषय पाठ नंबर 13 काल लेसन नंबर 13 काल। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करेंगे। पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, काल से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। आंसर, क्रिया के जिस रूप से उसके पूरा होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। कि जो क्रिया कर रहे हैं उसका हमें पता चले कि ये किस समय पर पूरी हुई है। जैसे राम ने पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, काल के कितने भेद होते हैं। आंसर, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान, भूत और भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 3, भूतकाल किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम भी बताइए। आंसर, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में पूरा होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। और 6 है हेतु हेतुवत भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो जाएगी कार्य को समाप्त हुए काफी समय हो गया है, तो वो क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका था किंतु समाप्त होने के समय का पता नहीं, समाप्त होने के समय का ज्ञान नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से हैं। आंसर, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के सामान्य रूप से पूरा होने का पता चलता है, जैसे वह नहाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह होता है, जैसे वह नहाता होगा। संदेह होना संदिग्ध काल और सामान्य रूप से क्रिया का पूरा होना सामान्य वर्तमान काल। अब है क्वेश्चन नंबर 7, भविष्य काल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। आंसर, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा। क्या पता चले? कि जो हमारा कार्य है वो कब होगा? आने वाले समय में होगा। जैसे मैं कल नाटक लिखूंगा, कल आने वाले समय में लिखूंगा। हेतु हेतुवत भविष्य काल का वर्णन उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्रिया के जिस रूप में एक कार्य का होना भविष्य की ही किसी क्रिया पर निर्भर हो। क्या कहा? क्रिया के जिस रूप में एक कार्य का होना उसी टाइम की किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चल पड़ूंगा, वा वा। अगर तुम जाओगे तो मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा। तो बेटा ये है हमारे क्वेश्चन आंसर, ये आपने अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। अब करेंगे हम बुक एक्सरसाइज। अब है हमारी बुक एक्सरसाइज, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 6। कितने होते हैं भूतकाल के? 6 भेद होते हैं। सेकंड, उसने कविता लिखी होगी,
किस काल का वाक्य है? संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। सतीश गाड़ी चला रहा है वाक्य है सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और इसमें से कोई भी नहीं। कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, इसमें से कोई नहीं। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना का पता चले उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतुमत भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, इसमें से कोई भी नहीं। क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। उचित मिलान कीजिए। मैं अभी अभी उठा हूँ, अभी अभी, सामान्य भविष्यत काल। यदि तुम खेलते तो मैं भी खेलता, हेतु हेतुमद भूतकाल, शायद मैं नाटक में चुना जाऊं, संदिग्ध वर्तमान काल। भैया इसी हफ्ते आएंगे, आसन भूतकाल। सुमित पढ़ रहा होगा, संभाव्य भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्य को वर्तमान के दिए गए भेदों में परिवर्तित कीजिए। राम खेलता है सामान्य वर्तमान, वह खेलता है, अपूर्ण वर्तमान, वह खेल रहा है, संदिग्ध वर्तमान, वह खेल रहा होगा। हम वह की जगह यहाँ पर राम भी लिख सकते हैं, राम। बार बार राम ने आए उसकी जगह ये हमने क्या यूज किया है? सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में पूरा कीजिए। मैंने कल भाषण दिया, पिताजी ने खाना खाया, माताजी ने चाय पी, चपरासी घंटी बजा रहा है, सीता ने संपादक को पत्र लिखा। तो बेटा ये है हमारी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर, ये आपने करने हैं अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करने हैं क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिर आपने लर्न करने हैं और लर्न करके रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।